नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आज बनाने जा रही हूँ चना मसाला सब्जी। चना मसाला सब्जी बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए: उबला चना 2 कप, कटा अदरक 1 चम्मच, कटी हरी मिर्च 3 से 4 या स्वाद अनुसार, पिसा धनिया 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, पिसी सौंफ 1 चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चम्मच या स्वाद अनुसार, भुना जीरा 1 चम्मच, कसूरी मेथी 1/2 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला 1/2 चम्मच, हींग 1/4 चम्मच, आमचूर 1/2 चम्मच, तड़के हेतु तेल 4 से 5 चम्मच, हरी धनिया पत्ती 2 से 3, देसी घी 2 से 3 चम्मच। सबसे पहले चनों को साफ करके धो लेंगे। उसके बाद 3 से 4 कप पानी में चनों को 7 से 8 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे और कुकर में डालेंगे और 1 से 2 कप या आवश्यकता अनुसार पानी डालकर छोलों को 3 से 4 सीटी लगाकर उबाल लेंगे। अब गैस जलाएंगे और कढ़ाई में तेल व देसी घी डालकर गरम करेंगे। अब इसमें हींग, जीरा, करी पत्ता, हरी मिर्च, अदरक डालकर 30 सेकंड के लिए मध्यम आंच पर भून लेंगे। अब इसमें उबला हुआ चना डालेंगे और चलाएंगे। स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, स्वाद अनुसार पिसी लाल मिर्च डालेंगे और एक बार फिर से चनों को चलाते हुए पकाएंगे। यदि आवश्यकता हो तो आप इसमें 1/2 कप पानी भी डाल सकते हैं। अब इसमें भुना जीरा, चाट मसाला, पिसी सौंफ, धनिया, गरम मसाला, कसूरी मेथी, आमचूर डालेंगे और 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए मध्यम आंच पर भून लेंगे। अब गैस को बंद कर देंगे और चना मसाला सब्जी को एक कटोरे में निकालेंगे। अब लंबा कटा अदरक व धनिया पत्ती से सजाकर गर्मा गर्म पराठा पूड़ी रोटी के साथ परोसेंगे। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं, और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, यानी कि सब्सक्राइब करें। इस विधि को आप हमारी वेबसाइट माँ की रसोई .net पर भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्यंजन के साथ। धन्यवाद।